टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए भी जानी जाती थी। विवादों का सिलसिला उनके पहले शो यानी बालिका वधु से ही शुरू हो गया था। 2012 में वो इस शो में एंटर हुई और 2013 में ही उन्हें तोरल राजपुत्र से रिप्लेस कर दिया गया। सूत्रों की माने तो उन्हें उनके अनप्रोफेशनल रवैये के कारण शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इसी साल जनवरी में प्रत्युषा ने आरोप लगाया कि 10 लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रत्युषा ने कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन वो उसकी ईएमआई समय पर नहीं भर रही थी। इसी सिलसिले में रिकवरी एजेंट उनके पास गए थे, जो पुलिस जैसी ड्रेस पहने हुए थे। प्रत्युषा ने इन पर छेड़खानी का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी लास्ट बर्थडे पार्टी प्रत्युषा ने एक होटल में होस्ट की थी। इसका बिल 1,14,660 रुपए बना था। होटल मैनेजमेंट के मुताबिक प्रत्युषा ने इसमें से 50,000 रुपए कैश और बाकी का चेक दिया, जो बाद में बाउंस हो गया था। पिछले साल प्रत्युषा को बिपाशा बसु के टीवी शो डर सबको लगता है के एक एपिसोड की शूटिंग करनी थी, हालांकि लास्ट मोमेंट में वो सेट छोड़कर चली गईं। एक लीडिंग मीडिया हाउस के मुताबिक शूटिंग के दौरान प्रत्युषा को शॉर्ट्स के साथ एक स्लीवलेस टॉप पहनने को कहा गया, जो उन्हें काफी रिवीलिंग लगा, इसीलिए वो वहां से शूटिंग छोड़कर चली गईं। प्रत्युषा 2015 में शो ससुराल सिमर का में नेगेटिव रोल में नजर आ रही थी। ऑडियंस उनके किरदार को पसंद भी कर रही थी। हालांकि जल्द ही मेकर्स ने उनके ट्रैक को बीच में ही बंद करने का फैसला ले लिया। खबरों की माने तो प्रोडक्शन हाउस प्रत्युषा के अनप्रोफेशनल रवैये से काफी परेशान था। साल 2013 में प्रत्युषा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड मकरंद मल्होत्रा पर मारपीट का आरोप लगाया था। हालांकि खुद मकरंद ने अपने ऊपर लगे आरोप को झूठा बताया था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि प्रत्युषा उनके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी और को भी डेट कर रही थी। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।